Hey guys, welcome or welcome back to my channel Nikki Style Corner. So today you can get a look like this. जो कि अभी आपने just देखा guys. तो हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एवरी डे मेकअप लुक विच यू कैन कैरी एवरी डे एज योर लुक. ठीक है गाइस, तो मैं बहुत ही फ्यू प्रोडक्ट्स से आप लोग के साथ ये शेयर करूंगी जो कि मैं ये लुक मतलब मेरे ऑफिस के लिए भी मैं यूज करती हूँ. एंड देन ऑफिस में अगर हो सके तो मैं इसे और कम करती हूँ बिकॉज मुझे और कम चाहिए, बिकॉज इतने टाइम वहां पर रहती हूँ तो मुझे ईचिंग वगैरह हो जाता है, दैट्स व्हाई. सो चले ये गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मतलब आप अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा. विच मॉइस्चराइजर यू वॉन्ट टू यूज, जस्ट आप आपके अकॉर्डिंग आपको जो मॉइस्चराइजर आपको अच्छा लगेगा आप वही मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए. मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, मैं पॉन्स का मॉइस्चराइजर यूज करी. मैंने अपना फेस ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज कर लिया. ठीक है गाइस, मेरा फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज है. सो मैं अभी जस्ट मेकअप स्टार्ट करूंगी अपना. तो मैं फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ. आप मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ पे कंसीलर स्टार्ट करूंगी. ठीक है, कंसीलर से मैं स्टार्ट करती हूँ. तो कंसीलर में आई एम यूजिंग दिस वाला स्विस ब्यूटी का. ठीक है, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ. तो फर्स्ट मैं अपने आईज के यहाँ पे सो थोड़ी सी यूज कर रही हूँ. आईज यू कैन यूज एनीथिंग टू ब्लेंड इट. तो मैं यहाँ पे ये पफ यूज कर रही हूँ, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप ब्रश भी यूज कर सकते, कंसीलर ब्रश भी यूज कर सकते. तो हाँ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो गाइज आपको जो जो पोर्शन आपको लगे कि हाँ ये जगह मुझे कंसीलर से मतलब इस जगह को मुझे थोड़ा सा और ब्राइटन अप करना है या फिर इसको मुझे और ज्यादा डिफाइन करना है तो आप उसी जगह कंसीलर यूज कर सकते हैं. एंड गाइज इफ यू वांट टू यूज एनी प्राइमर यू कैन यूज एनी प्राइमर. तो मैं यहाँ पे हिलेरिया हुडा का जो ये प्राइमर है मैंने ये यूज किया था, मैंने आपको दिखाया नहीं बट आई यूज दिस वन. सो गाइज मैंने अपने आईज को कंसील कर दिए. ठीक है, एंड देन आफ्टर देन आई एम यूजिंग दिस वाला फाउंडेशन. दिस वाइज NYB का फाउंडेशन. ठीक है, ये वाला फाउंडेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको एक बार बताती हूँ गाइज कि आप लोग जब भी फाउंडेशन यूज करते हैं फिर कुछ भी आपने फेस पे लगाते हो तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक गाइज. अदरवाइज क्या होता है, लाइक आपके फेस का कलर एक अलग आएगा, आपके नेक का कलर एक अलग आएगा, देन पीपल विल गेट टू नो देट आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया है. ओके, एंड गाइस पीपल लोग क्या सोचते हैं कि यार इसका फेस का कलर एक अलग है, ये अलग है, तो ऐसा लगता है कि हाँ इसका ये कलर आई थिंक ये ओरिजिनल कलर नहीं है या फिर कुछ मतलब मेकअप ने इसको उसका फेस का कलर कुछ अलग कर दिया. एंड लाइक इसका नेक का कलर देखो कुछ अलग है. तो इसीलिए आपका फेस के साथ मिलाने के लिए डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक गाइस, ऑन योर नेक. ठीक है, तो गाइस मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन भी लगा लिया एंड देन मैंने अपनी कंसीलर भी लगा. तो नेक्स्ट स्टेप जो कि आता है वो है मेरे एवरीडे मेकअप लुक में गाइस. अगर आपको आपका अगर मन चाहे तो यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ आई शेडो. मैं आपको अभी आई शेडो दिखाती हूँ, आप कौन सा अप्लाई कर सकते हो. एकदम लाइट एंड शेड. ठीक है गाइस, जस्ट टू लाइक एनहेंस योर ब्यूटी का आई शेडो पैलेट. ओके, तो गाइस आप एकदम लाइटर शेड यूज कर सकते हो. एकदम लाइट शेड आपको जो लगे कि हाँ ये एकदम लाइट शेड है तो आप वो शेड जस्ट अपने आईज को एनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हो. ओके, और मैं यहाँ पे गाइस हाथ से ही आई शेड अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे हाथ से ही बहुत ही कंफर्टेबल लगता है इंस्टेड ऑफ लाइक ब्रशेस एंड ऑल, बिकॉज ब्रशेस एंड ऑल लाइक मुझे तब चाहिए होता है जब मैं कुछ हैवी कुछ आई शेडो बना रही हूँ मुझे तब चाहिए होता है. गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मस्कारा यूज करना चाहिए. यस गाइस, मस्कारा के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मेबलिन का मस्कारा. उनका मस्कारा है जो कि बहुत अच्छा नॉर्मल डिफिनेशन मतलब नॉर्मल नहीं मतलब अच्छा आपको डिफिनेशन देता है. ठीक है, तो अभी मैं इसमें ये यूज कर रही हूँ प्लम का. ठीक है, मैं NYB का ये सेटिंग्स पे यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा ग्लो देता है और एवरीडे के लिए इट इज परफेक्ट गाइस. ठीक है, एंड गाइस आईलाइनर के लिए मैं ये NYB का ही आईलाइनर यूज कर रही हूँ. ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रोक इसका बहुत ही पतला स्ट्रोक है, इतना मोटा भी नहीं है. अगर आप चाहते हो तो मोटा वाला मतलब लाइनर भी इससे बना सकते हो, ऐसा नहीं है. तो मैं अभी अपना लाइनर इससे बनाती हूँ. ठीक है, इनसाइड का एक लिपस्टिक यूज करी. एक एग्जैक्टली ये लिपस्टिक तो नहीं है, ये लाइक आपको लिप को एक ग्लॉस देगा मतलब ग्लॉसी लिपस्टिक है. mm-hmm.
अपना ड्रेस चेंज कर ली। सो गाइज ऑफिस के लिए आप अपने हेयर स्टाइल को जैसे टाइप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं सोचती हूँ कि ऑफिस या फिर एवरीडे लुक के लिए आप अपने हेयर स्टाइल को एक पॉनी कर लीजिए, ताकि आपके हेयर ना इधर से आते ना इधर से आते, नो डिस्टर्बिंग। इसीलिए बस मैंने बाल खुले रखे थे, आप लोग सोचे थे क्योंकि मेरे बाल खुले ही रहेंगे, नहीं गाइस मैं बाल खुले नहीं रखती हूँ ज्यादा, तो मैंने अपना बाल को पॉनी कर लिया। और पॉनी मैंने किया भी ना वो हाई पॉनी है, आप देख सकते एकदम हाईली पॉनी किया, ताकि लुक भी थोड़ा सा अलग आ जाए। अगर गाइस आप लोग भी चाहते ये वाला मेकअप, मतलब एक मिनिमलिस्टिक मेकअप यू कैन वॉन्ट टू रिक्रिएट, या फिर कह रहे तो आप इजीली कर सकते हो। आपने देखा है कितने इजीली मैंने ये लुक रिक्रिएट कर लिया, रिक्रिएट नहीं ओनली जस्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। एंड ऑफिस और फिर एवरीडे बोला था मैंने, इसलिए मैंने शर्ट वेयर किया टू मेक इट सिंपल गाइस, ठीक है। और अगर आपको और कुछ कुछ मेकअप लुक चाहिए, मैं ट्राई करूंगी और कुछ कुछ अच्छा अच्छा मेकअप लुक्स लाने के लिए विद सम अलग सा आई शेडो, ताकि लुक्स और ज्यादा अलग आ जाए, ठीक है, मैं वो भी लाऊंगी। बट मैंने स्टार्ट किया अभी जस्ट एवरीडे मेकअप लुक के लिए, बिकॉज आई थॉट कि सब लोग मतलब एवरीडे ही चाहते होंगे कि सब लोग एवरीडे कैसे एक मेकअप लुक कैसा एक नॉर्मलिस्टिक मेकअप लुक। सो गाइस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल चिल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैवंट, ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट कर देना आप अगर आपको कौन सी भी वीडियोज देखनी है मेरे से, मेरे चैनल से या मेरे से, तो यू कैन इजीली कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो गाइज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ यू वॉन्ट टू, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप शेयर करो, ठीक है, आप कर सकते हो। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।